सो अस्सलाम वालेकुम। आईफोन 10X को लॉन्च हुए 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब तो आईफोन 13 भी आने वाला है। सो स्टिल इट इज़ द वोट टू परचेसिंग आईफोन 10S मैक्स इन 2021। लेट्स स्टार्ट। When talking about iPhone 10s Max, हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? I think it's a very important to consider ये iPhone कितना reliable है 2021 में। So start करते हैं इसके designs। डिज़ाइन की बात की जाए तो iPhone 10s Max में आपको ग्लास बैक देखने को मिलती है और जो साइड्स हैं वो आपको स्टील की देखने को मिलती हैं। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं आजकल के जो दूसरे एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स हैं तो उन जैसा आपको कोई ग्रेडियंट लुक तो नहीं देखने को मिलता, पर स्टिल इट्स लुक वेरी प्रीमियर। अब स्टिल 2021 में ये जो iPhone है आपको कहीं से भी चीप नहीं लगेगा, आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि आपने एक चीप स्मार्टफोन कैरी किया हुआ है। स्टिल 2021 में इट्स लुक्स वेरी वेरी प्रीमियर और स्पेशली यहाँ पर जो गोल्ड कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियर लुक देता है। अगर आप इसको शॉर्ट कंपेयर करते हैं iPhone 12 से तो ऑफकोर्स iPhone 12 ज़्यादा प्रीमियर और ज़्यादा खूबसूरत है, पर स्टिल 2021 में iPhone 10s का जो लुक निकल कर आता है वो आजकल के जो फ़ोन्स आ रहे हैं उससे काफ़ी दर्जे बेहतर है। मूविंग टू डिस्प्ले, iPhone 10s Max में आपको 1242p OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प और कंट्रास्टी है। अब इस वक्त इस iPhone S Max पे मैंने एक डिम ग्लास लगाया हुआ है जिसकी वजह से सनलाइट में कम विजिबल हो रहा है, पर ओवरऑल इस iPhone पर मैं सोशल मीडियाज प्लस YouTube की वीडियोस वगैरह वॉच करता हूँ एंड इट्स अमेजिंग। मतलब जो कलर्स निकल कर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आते हैं। अब इसका जो डिस्प्ले है वो कंपेयरेबल है iPhone 12 Pro से, मतलब ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। और इस iPhone में एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि iPhone 12 में भी नहीं है, वो है 3D टच, विच बेसिकली मीन्स जो आपकी लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं इट्स रन्स मोर फास्टर। फेस आईडी की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड, इवन आप रात को काम करते हुए भी यूज़ करते हैं इट्स वर्क्स वेरी वेल। बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए जो कि आईफोन में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस आती है आईफोन में वो है इसकी बैटरी। अब ये जो आईफोन 10s Max है इसको मैंने यूज़ में परचेज़ किया था और इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो है 87%। अब इस 87% बैटरी हेल्थ से मैं एक दिन ईजिली यूज़ कर सकता हूं। मतलब ये जो आईफोन है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप भी इस फ़ोन को यूज़ में परचेज़ करने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मोर देन 80% हेल्थ वाला स्मार्टफोन ही बाय करें। और करंट इस आईफोन में ISO 14 चल रहा है और कुछ दिन बाद ISO 15 की भी अपडेट मिल जाएगी और अगले कई साल तक आपको इसमें अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। कैमरे की बात करें तो ये आईफोन का फर्स्ट मोबाइल है जो कि स्मार्ट HDR टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब ये जो कैमरा है ना पिछले आईफोन से कहीं दर्जे बेहतर है। और ज़्यादातर जो लोग हैं इस आईफोन को कैमरे की वजह से ही बाय करते हैं और पर्सनली मैंने भी इसको कैमरे की वजह से ही परचेस किया है। अब इसके कुछ लिए गए सैंपल्स मैं आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा हूँ। इस बैक साइड पर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और दोनों लेंस 12 मेगापिक्सल्स के हैं और जो क्वालिटी है वो आपकी स्क्रीन के सामने काफ़ी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पर आपको वीडियो क्वालिटी इमेज क्वालिटी दोनों आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है। और अगर आप व्लॉगिंग्स वगैरह करते हैं तो ये जो आईफोन है आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। पर ये जो आईफोन है दिन में तो काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, पर रात में तो ये जो आईफोन है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। पर स्टिल 2021 में इसके जो कैमराज हैं आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं, तो कैमरा वाइज मैं आपको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस आईफोन में 2 साल पुराना प्रोसेसर यूज़ किया गया और आज भी ये प्रोसेसर आपके डे टू डे यूज़ प्लस आपकी हैवी गेम्स को ईजिली हैंडल कर लेगा, तो परफॉर्मेंस वाइज तो मैं आपको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ ये वाला आईफोन। इस पर आप वीडियोस वगैरह भी रेंडरिंग कर सकते हैं और हैवी गेम्स को भी ईजिली रन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। सो इन दी एंड इस आईफोन की प्राइस की बात की जाए तो ये आईफोन पाकिस्तानी मार्केट में यूज़ कंडीशन में PTA अप्रूव आपको तकरीबन 80,000 से लेकर 85,000 के दरमियान में देखने को मिलता है। सो अगर आपको ये आईफोन 80,000 में देखने को मिलता है तो आई थिंक ये काफ़ी रिलायबल स्मार्टफोन है स्टिल 2021 में। सो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, पीस एंड अस्सलाम वालेकुम।